बात होगी भारत कनाडा रिश्तों की। भारत कनाडा के बीच जो अभी दरार सामने आई है उसे लेकर अमेरिका ने दावा किया है कि जिस तरीके से ये खबरें आईं कि भारत को लेकर अमेरिका ने फटकार लगाई है कनाडा को, उस दावे को अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया है। दरअसल दावा किया जा रहा था कि निज्जर हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने के कारण अमेरिका ने कनाडा को फटकार लगाई है, जिसे अब अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा जा रहा था कि सिर्फ भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए अमेरिका ने कनाडा को फटकारा है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कल कहा कि मामले में अमेरिका कनाडा के साथ समन्वय और परामर्श कर रहा है और साथ ही वो भारत सरकार से भी बात कर रहा है। वॉटसन ने ट्वीट किया, कहा कि खबरें आ रही हैं कि हमने कनाडा को फटकार लगाई है, ये झूठ है। हम मामले में दोनों ही देशों के साथ बात कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी मामले को पारदर्शी तरीके से संभाल, अमेरिका चाहता है कि हम पारदर्शी तरीके से मामले को संभालें। किर्बी ने यह भी कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं तो जांच के बाद ही कुछ कहना सही होगा। किर्बी ने भारत से भी जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। तो कनाडाई पीएम ने भारत सरकार पर आरोप लगाए। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को ही आरोप लगाए थे कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। ट्रूडो ने कहा था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास ये मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंट्स ने निज्जर की हत्या की। तो कनाडाई एजेंसियां निज्जर की हत्या में भारत की साजिश की संभावनाओं की जांच कर रही है। ट्रूडो ने यह भी जोर देकर कहा कि कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी प्रकार की संलिप्तता अस्वीकार्य है। अब इस पर ब्रिटेन ने प्रतिक्रिया दी थी। ब्रिटिश विदेश सचिव क्वेवर्ली ने एक दिन पहले ही ट्वीट करके कहा था कि सभी देशों को अन्य देशों की संप्रभुता और उनके कानूनों का सम्मान करना चाहिए। कनाडाई संसद में निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगाए आरोपों के मामले में हम कनाडाई सरकार के साथ नियमित संपर्क में हैं, ये बड़ा मुद्दा है। कनाडाई जांच एजेंसी को इसकी जाँच करनी चाहिए और आरोपियों को कटघरे में पेश करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिना जाँच रिपोर्ट के मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं है। दरअसल खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद पर अमेरिका समेत पश्चिम देश नपातुला बयान दे रहे हैं और पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि पश्चिमी देशों के मंत्री और अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि कनाडा और भारत के बीच राजनयिक विवाद का असर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ना पड़े। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भारत की भू राजनीतिक विषाद को समझते हैं। और एक मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि पश्चिमी देशों ने विवाद से बचकर भारत के साथ अपने संबंधों को बचाने का विकल्प चुना है। साथ ही पश्चिमी देशों के राजनयिकों के बीच इस बात का भी डर होगा कि कनाडा भारत विवाद में दूसरे देशों ने पक्ष लेना शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि इस हफ्ते कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे भारत की संलिप्तता का गंभीर आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और इसी साल जून में पश्चिमी कनाडा में निज्जर की हत्या कर दी गई थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।